हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो ये गोपालगंज का फेमस जगह है थावे, और थावे में माता मंदिर का एक मंदिर है जो स्थापित हमारे ख्याल से आज से 200-300 साल पहले का है। तो यहाँ का जो स्थापित मंदिर है हम आपको दिखाएंगे आगे चल के इधर, और यहाँ का एक बहुत फेमस मंदिर था जो अभी तक हमारे ख्याल से 200-300 साल पहले का ही है। फिलहाल हम आपको अभी अंदर का सब नज़ारा दिखाएंगे। अगर इससे पहले अगर आना चाहते हैं तो कम से कम संडे को आना चाहिए, क्योंकि संडे को काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है यहाँ का रहस्य हमारे बहुत पूर्वजों का है। यहाँ पे एक रहसु भगत एक पुजारी थे, उनका भी यहाँ पे मंदिर स्थापित है। और एक पास में ही दिखाएंगे आपको थावे माता मंदिर का नज़ारा। तो फाइनली हम लोग माता मंदिर के पास ही हैं, और यहाँ पे एक फर्स्ट एड का व्यवस्था भी रखा हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों से मिलाते हैं उनको, क्योंकि अगर पता एक बार कर लिया जाए कि फर्स्ट एड का जो व्यवस्था है उस पर क्या वो शुल्क है या कुछ चार्जेज लगता होगा। और यहाँ पे हमारे कुछ सुरक्षा के जवान भी खड़े हैं, तो हम उनसे आप लोगों को मिलाएँगे। जय सर। तो मैम, आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड का ये रखा हुआ है, तो ये क्या निःशुल्क है? कोविशील्ड है। कोविशील्ड है। तो मैम, ये इसमें कोई शुल्क लगता है? नहीं, नहीं लगता। तो दोस्तों, हम लोग उसे दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर किसी भी दोस्तों को अगर लगवाना चाहता है तो आके यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और बगल में ही एक हमारे सुरक्षा के जवान हैं, हम उनसे बात करते हैं। पर डे? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पर डे पड़ता है, कभी भी आप आके लगवा सकते हैं अगर 8 वर्ष जी। और संडे को तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ होती है। तो अभी एक सुरक्षा के जवान है, हम उनसे बात करते हैं, आप लोगों से मिलाएंगे। जैन सर। जैन बोलिए। सर, आप यहाँ पे सुरक्षा के जवान हैं? हाँ, हम सब जवान हैं ड्यूटी में। तो सर, आप ड्यूटी में हैं तो यहाँ पे कोई परेशानियाँ वगैरह तो नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे हमारे मतलब ख्याल से सुनने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे चोरी वगैरह कर लेते हैं, किसी के जान वन मेला छीन लेते हैं। मेला है, छीनता कोई नहीं है जी। मेला है तो कोई गिर जाता है, चोरी जैसे होता नहीं। अच्छा जी। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे सर बैठे हुए। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अभी जो रासु भवानी द्वार है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का क्या व्यू है। चलो आइए। तो दोस्त, फाइनली हम लोग आ गए हैं इधर जो माता मंदिर का पोखरा है, और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का व्यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि कम से कम एक बार सभी दोस्तों को चारों तरफ से घुमा करके दिखा दीजिए। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तालाब में, तालाब का पानी तो खैर ब्लू हो चुकी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा मछलियाँ है। तो अपने कैमरामैन से बोलेंगे कम से कम एक बार जूम करके तो दिखा सकते हैं। और इधर का जो भी व्यू है हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये माता मंदिर का नज़ारा है, और यहाँ का एक ऐतिहासिक रहा हुआ है जो रसु भगत जो है थे। काफ़ी पूर्वजों के ज़माने से यहाँ लोग आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे एक मिलाएंगे, एक दुकानदार हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे जी। जी, नमस्कार दोस्तों का, हमारा नमस्कार है जी। नाहर दुर्गा मंदिर में आप लोगों का स्वागत है यहाँ जी। तो अंदर आप बताइएगा कि ये दुर्गा मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर कितना पहले का है? ये 500 साल पुराना है, उससे भी पहले का है। तो हाँ जी, 500 साल पहले का है ये। तो आप बता सकते हैं ये किसके द्वारा स्थापित हुआ है मंदिर? ये राजा हथुआ राज की तरफ से हुआ है स्थापित। कौन हथुआ राज में कौन किया है हमें हम लोग को पता नहीं है जी। तो यानी ये बहुत पहले का है जी, बहुत यानी 4-5-10 लंबे पीढ़ी का ही है जी। जी जी।
तो यहाँ पे आप लोगों का दुकान है, तो सुबह कितने बजे आप लोग दुकान खोल देते हैं? जी हम लोग 4 बजे 5 बजे खोल लेते हैं दुकान। और आरती कब होती है माँ दुर्गा मंदिर का? सुबह में 5:30 बजे 5 बजे होती है जी, और शाम को 7:30 बजे 8 बजे होती है जी। और दोपहर में बंद कब तक रहता है दुकान? दुकान बंद नहीं रहती है, मंदिर बंद रहता है, मंदिर बंद रहता है 12:30 से 2:30 बजे तक बंद रहता है जी जी। अच्छा, तो दोस्तों अगर किसी को भी अगर फूल वगैरह आरती के लिए और जयमाला के लिए लेना होगा तो हमारे जो अंकल हैं इनसे हम नंबर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप दिखाई देगा नंबर और इनसे मिल लीजिएगा। तो सबसे पहले बात